ग्राम विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा ग्राम सेवक और पंचायत सचिव भर्ती 2020 का रिक्रूटमेंट आया हुआ है। अधिसूचना पत्र 7/2020 ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा आया हुआ है। ग्राम विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पद तो ग्राम सेवक 7460, पंचायत सचिव 5051, इतना पद है। टोटल पंचायत सचिव का 5000 इतना पद है। ग्राम विकास मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार पंचायती राज विभाग भारत की विभिन्न पंचायतों में ग्राम सेवक पंचायत सचिव के पदों पर आवेदन आमंत्रित करता है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्देशित विभाग की वेबसाइट पर दी गई दिनांक से पहले आवेदन कर सकते हैं। तो कब तक कर सकते हैं? ग्राम विकास मंत्रालय भर्ती 2020 विभाग का नाम ग्रामीण विकास मंत्रालय, पद का विवरण ग्राम सेवक और पंचायत सचिव का पद है। इसमें यहाँ पर कुल पद 12541 पद है। आवेदन का तारीख ऑनलाइन होगा। शैक्षिक योग्यता ग्राम सेवक के लिए 10वीं और ग्राम सचिव के लिए पंचायत सचिव के लिए 12वीं पास होना चाहिए। और विभागीय वेबसाइट www.ruralinsa.in से आप वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं, देख सकते हैं। जिला ब्लॉक पंचायत स्तर पर आधारित इस भर्ती की अंतिम तिथि से पहले आवेदन करें। चलिए, वही दिया है, शैक्षिक योग्यता ग्राम सेवक के लिए 10वीं पास, स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। पंचायत सचिव के लिए 12वीं पास, स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। चलिए, चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा ऑफलाइन होगा। परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नलिखित है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद देख भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे इत्यादि इसमें आएंगे। आर्थिक और सामाजिक विकास सत्र, विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि ये सब आएंगे। सामान्य विज्ञान से रहेंगे, पंचायती राज विभाग से रहेंगे, फिर संचार कौशल सहित अंतर ये सबसे तार्किक यानी कि रीजनिंग रहेगा, निर्णय लेना और समझना ये सब रहेगा। आधारभूत संख्याएं और उनके संबंध विस्तार क्रम आदि, 10वीं कक्षा का स्तर, आंकड़ों का निवर्चन, चार्ट, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा का स्तर रहेगा। उसके आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया है नोट्स में, परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकृति के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए चार विकल्प संभावित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना होता है। परीक्षा पास करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को
पेपर में सिर्फ 33% अंक, लगभग 27 प्रश्न या 66 अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं। अगर वह इससे कम अंक प्राप्त करता है तो उसे फेल माना जाता है। कट ऑफ का निर्धारण सिर्फ प्रश्न पत्र के आधार पर किया जाता है। दस्तावेज सत्यापन, चयनित छात्रों की अंतिम सूची मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर होगी। चलिए आगे, विभिन्न पद के लिए वेतनमान 2020। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार भर्ती होने वाले उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग पे मैट्रिक्स के स्तर 1, 2, 3 पर नियोजित किया जाएगा और उन्हें 25,500 तथा 35,500 रुपये मासिक वेतन के रूप में अन्य भत्तों के अलावा मिलेगा। आयु सीमा नीचे दी गई आयु छूट के साथ ही सभी पद के लिए 18 से 40 वर्ष रखा गया है। चयनित प्रक्रिया, चयन ऑफलाइन परीक्षा के आधार पर होगा। आवेदन शुल्क जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी उम्मीदवार को 100 रुपया, SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पैसा नहीं। भुगतान तिथि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। आवेदन कैसे करें? इच्छुक और पात्र जो उपयुक्त मूल पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले HTTP ये वेबसाइट का है पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से आवेदन करना होगा। महत्वपूर्ण तिथियां, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि शुरू 16 अगस्त 2020 से शुरू होगा और अंतिम तिथि 18 सितंबर 2020। अब इसको बढ़ाया भी जा सकता है, ये दिया है। जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है हम फिर एक ठो वीडियो लेकर आएंगे। परीक्षा 2 नवंबर 2020 में तिथि होगी, ठीक है? जैसा अब आगे आता है वैसा हम वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।